इंडिया का ऐसा कोई शॉप है, ऐसा कोई बड़ा होलसेलर नहीं है जो साईनाथ वसुधा को नहीं जानता हो। जितनी परचेजिंग पावरफुल होगी उतनी सेलिंग पावरफुल होगी। बिल्कुल, परचेजिंग स्ट्रॉन्ग है तो सेलिंग तो सुपर स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, नहीं रोक सकता। अगर एरिया पहचानना बहुत जरूरी है। परचेजिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब ये धन नहीं है दोस्तों, आप लोग शायद ये चीज समझते हो जो मैं कहता हूँ। परचेजिंग स्ट्रॉन्ग तो सेलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, परचेजिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका दिमाग किस तरीके से आपके लेवल में काम करता है, वो वैरायटी कैसे खरीद रहे हो, उसको परचेज स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, परचेजिंग स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। एक्चुअली मेरी दीपेश भाई से बात हो रही थी, आप दीपेश भाई को जानती होंगे, साईनाथ वसुधा के ऑनर हैं। और पहले मैं आप लोगों को साईनाथ वसुधा है इसके बारे में बता देता हूँ। इट इज़ ए ह्यूज कंपनी जो कि कॉटन सूट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, नमाजी दुपट्टे वाले जो कॉटन सूट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साउथ की टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में से जो है ये एक काउंट होते हैं। बताया था आपको ग्रे टू पैक तक सब हमारे रूफ के नीचे ही होता है, सब हमारे आंखों के सामने ही। और देखिए कॉटन के सूट्स जो होते हैं जो आप दिल्ली से या कहीं और से भी खरीदते हैं नमाजी दुपट्टे वाले सूट, उनमें कलर की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन 100% कलर की गारंटी हम सर लेते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी अगर निकल आती है जैसे सूट में, तो आपका सूट आप भेजिए, इवन जो आप कोरियर से भेजेंगे उसका भी खर्चा जो है सर लोग ही देते हैं। अभी फिलहाल देखिए थोड़ा सा टॉपिक से मैं फिर गया क्योंकि बातचीत ही कुछ ऐसी चल गई थी हमारी। जी जी। तो अभी फिलहाल टॉपिक पे आता हूँ। ये तो थी सर के बारे में बात, कंपनी के बारे में बात। एक्चुअली डिस्कशन क्या करना था, देखिए एक्चुअली इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये लोग जो है अपने आप को जो है मतलब 10-20 हज़ार के माल के लिए या इस टाइप की चीज़ों के लिए अपना नंबर दें। तो एक्चुअली जब मैंने इनका शुरू में वीडियो बनाया तो उस टाइम पे इनको खुद नहीं पता था कि क्या होने वाला है, आप लोग इतनी संख्या में इनके पास कॉल करेंगे। तो मैंने इनका नंबर जो है वीडियो में डाला था, ये बोले मेरा डाल दो, मैंने बोला डाल दूँ, तो बोले डाल दो, तो मैंने डाल दिया। तो इनके पास ह्यूज संख्या में बहुत ही 300-400 कॉल डेली आते थे। तो वो डालने के बाद इन्होंने मेरे को बताया कि लोगों की प्रॉब्लम सुनी है, ये मेरे से मतलब डिस्कशन कर रहे थे कि लोगों को ऐसे होता है, पता ही नहीं है कैसे होता है, उनको पता ही नहीं है अहमदाबाद का है, उनको पता ही नहीं है मैन्युफैक्चरर ही क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं है कि सूट सस्ते भी मिलते हैं। वो रेट सुन के ये सोचते हैं कि अरे इस रेट में भी चीज़ें होती है। तो मैंने इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाया, तो ये वीडियो मैंने बनाया। तो और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा क्या था, मैंने सोचा कि यार चलो इनके थ्रू आप लोगों तक, इनके साथ जो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स डिस्कशन की है वो चीज़ मैं आप लोगों तक एक बार पहुंचाता हूं। तो सर सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो क्या आई सर हमारे व्यूअर्स को? काफ़ी कस्टमर्स को ऐसा था कि कलर की गारंटी रहेगी या सूट की कट कम नहीं निकलेगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कलर की भी गारंटी देते हैं, सूट की कट भी पूरा आता है, 2.5 मीटर टॉप, 2.5 मीटर सलवार, 2.25 मीटर दुपट्टा, जैसा मैंने आपको हर वीडियो में भी दिखाया गया कि 2.25 मीटर पूरा है तो 2.25 मीटर पूरा ही निकलेगा, 2.20-2.22 नहीं निकलेगा। देखिए ये प्रॉब्लम तो होगी आपके बिजनेस के रिलेटेड। जी, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट आपके बिजनेस से रिलेटेड, मैं मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। कॉमन प्रॉब्लम ये आई कि सर काफी लोग पूछ रहे थे कि हम ये माल बेचे कैसे। मैंने कहा कि आप जो भी माल ले रहे हैं, आप कहीं से भी ले रहे हैं, उसको कम मुनाफे में बेचिए तो आगे वाले कस्टमर को भी रेट सही रेट में मिले। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अगर कस्टमर को सही रेट में मिलेगा तो वो रिपीट आएगा, अगर रिपीट आएगा तो आप मेरे पास रिपीट में आएंगे या कहीं बायर के पास रिपीट में जाएंगे। बिल्कुल बात आपने सही कही, ईमानदारी से खाओ और ईमानदारी से खाते ही रहो। जी, मुर्गी वही बात है, मुर्गी को एक बार में खा लो या बार बार अंडा खा लो। तो एक चीज़ तो सर ने आप लोगों को बता दी, अपनी तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग ये देखें अपने सराउंडिंग मार्केट को सर्वे करें, सराउंडिंग मार्केट मतलब आपके आसपास मार्केट में क्या बिकता है। एक सुविधा भी आई कि काफी लोग बोल रहे थे ये माल बिक नहीं रहा है या ये हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनको पहले अपने एरिया का टेस्ट समझना चाहिए। बिल्कुल यही चीज, कहीं पे कढ़ाई वर्क चलता है, कहीं पे प्रिंट चलता है, कहीं पे हैंडवर्क चलता है, सब एरिया का अलग अलग टेस्ट है। हाँ, कहीं पे वही बात है, थोड़ा शहरीकरण है तो वहाँ पे प्रिंट वाली चीजें चल रही, जहाँ पे थोड़े देसी लोग रहते हैं वहाँ पे हैंडवर्क चल जाता है। और जैसे मुस्लिम्स होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन है, उनके पास नमाजी दुपट्टे चलते, बड़े दुपट्टे चलते हैं। हरियाणा पंजाब में जाएंगे तो उनको 3 मीटर बॉटम की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार हम लोगों के साथ होता है, हम वीडियो बना देते हैं, अब कई वीडियो कई बार होता है लोग सस्ता देखते हैं,
या उनको पता ही नहीं होता कि हमारे उधर चलेगा क्या, वो वीडियो देख करके खरीद लेते हैं। आप लोग देखिए कि आपके उधर क्या चलता है जी। हर वीडियो हर किसी के लिए होता ही नहीं है। सस्ता नहीं सही देखिए, सही देखिए, सस्ता नहीं देखिए सही देखिए, आपके पास क्या चलता है वो इस प्रकार का वीडियो देखिए, तब परचेजिंग करें, तब फोन करें। ये नहीं जितनी परचेजिंग पावरफुल होगी उतनी सेलिंग पावरफुल होगी। बिल्कुल, परचेजिंग स्ट्रॉन्ग है तो सेलिंग तो सुपर स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, नहीं रोक सकता। अगर परचेजिंग में दम, अगर दम नहीं है तो नोबडी कैन सेल, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर आपके पास जी इधर मार्केट में फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट वाले सूटों का कोई क्रेज ना हो, कोई पहनता ही ना हो, और आप इधर बेचने के लिए ले आओ तो चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे सर। कोई तो वही चीज है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या चीज मिलती जी बिकती है। आप एक क्लास भी देखिए आपके सराउंडिंग एरिया की, अगर कहीं पे मान लीजिए 100 रुपए वाली चीज बिकती है और आप वहां पर 500 रुपए वाली चीज ले जाकर के रखते हो तो नहीं बिकती, तो नहीं बिकती। एरिया पहचानना बहुत जरूरी है। परचेजिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब ये धन नहीं है दोस्तों। आप लोग शायद ये चीज समझते हो जब मैं कहता हूँ परचेजिंग स्ट्रॉन्ग तो सेलिंग स्ट्रॉन्ग। परचेजिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका दिमाग किस तरीके से आपके लेवल में काम करता है, वो वैरायटी कैसे खरीद रहे हो, उसको परचेज स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। परचेजिंग स्ट्रॉन्ग जी। और क्या क्या प्रॉब्लम आई सर, कुछ ऑनलाइन के थ्रू भी कुछ प्रॉब्लम आई ऑनलाइन के बारे में? काफी लोगों ने पूछा कि हम अपना ये जो घर से बेच रहे हैं उसको हम ऑनलाइन कैसे सेल करें। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि फेसबुक जैसे ऐप्स है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना के आगे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो इमेजेस। तो फेसबुक मार्केट प्लेस उन्हीं लोगों के लिए आया है जो घर से व्यापार करते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है 2 से 5 हजार प्रमोशन की, वो कोई बड़ी कीमत नहीं है। ना भी अगर प्रमोशन लगाया, अगर आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, फॉलोअर्स या आपका कोई ग्रुप है जहाँ आप उसको बेच सकते हैं, लिंक बेच सकते हैं, जिससे ज्यादा फॉलोअर्स आपको मिले, तो वो ऑटोमेटिक फिर फ्लो में आ जाता है पूरा पेज। जैसे लेडीज के लिए मैं बताना चाहूंगा, मोस्टली ग्रुप्स तो सभी के ही होते हैं। लेडीज अपनी सहेलियों के ग्रुप्स में जो है फोटो अच्छे अच्छे से क्लिक करके उनके पास सेंड कर सकती है। सेंड करने के बाद उसको विद प्राइस सेंड करें ताकि वो लोग जो है उनकी सहेलियां वगैरह जो है उनसे फिर बाई करेगी। इस तरीके से देखिए छोटी सी शुरुआत होती है, फिर वो बढ़ता 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 बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। विजन जो है कोई 1-2 दिन का 10 दिन का तो होता नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अपना उस चीज को। हमारी कंपनी का विजन सर 10 साल तक का, आने वाले 10 साल तक का विजन दिया हुआ है। अभी फिलहाल कैमरे मैंने स्टेबल रखा हुआ है, मैं इधर दिखा नहीं सकता, एक्चुअली इस तरफ विजन लगा रखा है, विजन 2030। सर ने भी जो है विजन लगा रखा है कि 2030 तक इनको किस लेवल पर पहुंचना है। हमारा पहला पर्पज ये है कि मैं आपको बताया था जैसे टू थ्राइव बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द होल वर्ल्ड बाय बिल्डिंग रिलेशन, यानी हर एक कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने जिससे संबंध जुड़े रहे। बिल्कुल जी। देखो मैं अगर किसी को गंदा माल दूंगा वो पीछे 2 गालियां देगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वही चीज है कि मैं अच्छा माल दे रहा हूँ ना तो वो भी आगे अच्छा माल ही। बिल्कुल, और सही रेट में। ये प्रोडक्शन टू कंज्यूमर का मॉड्यूल इसलिए ही हम लाए कंपनी में, अच्छा, कि हर एक बायर को सस्ते रेट में और अच्छे रेट में अच्छा कपड़ा मिल सके सर। वैसे भी आपका अहमदाबाद तो इस चीज के लिए काफी फेमस है, अच्छी क्वालिटी के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि अहमदाबाद के सूट्स के जो है लोग, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो स्पेशल मांगने आते हैं कि अहमदाबाद क्वालिटी रखते हो या कौन सी वैरायटी रखते हो? ऑलमोस्ट चांदनी चौक वगैरह में, जैसे चांदनी चौक हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ मेरा पूरा सप्लाई जाता है, ऑल ओवर इंडिया मेरा सप्लाई है सर। अच्छा अच्छा। इंडिया का ऐसा कोई शॉप है, ऐसा कोई बड़ा होलसेलर नहीं है जो साईनाथ वसुधा को नहीं जानता हो। बहुत बढ़िया। और कुछ परेशानी वगैरह या कुछ, और या कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ भी? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सही जगह से सही रेट में माल खरीद के उसे सही रेट में बेचें ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल पाए। अगर आपके रेट सही होंगे तो आपको रिपीट ज़्यादा मिलेगी, और रिपीट ज़्यादा मिलेगी तो बिजनेस ज़्यादा होगा। बिजनेस ज़्यादा होगा, बिल्कुल फैक्ट है। और दोस्तों वैसे भी अगर आप फिर भी अगर कुछ आपको जानना है, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अहमदाबाद के बारे में, सराउंडिंग मार्केट्स के बारे में, या इवन सर के ही काम के बारे में कि इनका किस तरीके का काम है, क्या चीज सेल करते हैं, किस तरीके से करें, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे तो मैंने इनकी वीडियोस डाल रखी हैं, आपने अभी और भी वीडियोस ऑलरेडी इनकी देखी होगी मेरे चैनल पर, तो आप लोग इनसे वैसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे तो आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है आप पूछ ही सकते हैं, जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सवाल जवाब है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले और वहाँ से आप लोग जो है मुझसे बातचीत कर सकते जी। और एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। बहुत बढ़िया, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर जी, क्योंकि आप देखो एक चीज़ और बताऊँ, ये मेरे को कह रहे थे कि
यार बहुत सारे राय ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल आए जो गरीब लोग हैं और 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के लिए भी वो लोग जो है कि खरीदे ना खरीदे, क्या करे क्या नहीं होगा, मुश्किल से इकट्ठे किए पैसे, डूब गया तो वो चीज़ भी जो है ये मेरे से डिस्कस कर रहे थे यार इस तरीके से भी होता। मैंने कहा और क्या, सब कोई अमीर थोड़ी होता है यार, एक हर तरीके के लोग होते हैं भाई। तो सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेलकम सर।